हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक पॉम किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डिलीशियस मेथी मटर मलाई की सब्जी। क्रीमी और सिल्की टेक्सचर है, बहुत ही टेस्टी बनता है और इजी रेसिपी भी है। इसे आप रोटी, पराठा, नान और जीरा राइस का साथ सर्व कर सकते हैं। तो चले शुरू करें। अगर मेरा रेसिपी सबको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और फ्री में वीडियो देखने को मिले। इधर मैंने 3/4 कप हरी मटर लिया है, ग्रीन पीस 180 ग्राम्स, और ये फ्रोजन ग्रीन पीस है। मैंने 5 मिनट लुक वार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी में सोख करके रख दिया था, फिर एक्सेस वाटर ड्रेन आउट कर लिया। और 1 कप मेथी लिया है, मेथी अच्छा से वॉश करके मैंने कट कर लिया, फाइनली चॉप कर लिया है। 1 कप मेथी 240 ग्राम्स, 1 स्मॉल साइज प्याज, स्मॉल साइज टमाटर दोनों ही मैंने राफली चॉप कर लिया है, 2 हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक बारीक कट कर लिया है और 2 लहसुन के कोलिया ये भी बारीक कट कर लिया है, 1/2 कप फ्रेश क्रीम 120 ml, आप चाहो तो दूध का मलाई भी ले सकते हो, और कैश्यू नट्स काजू, इधर मैंने ब्रोकन कैश्यू नट्स लिया है 7 to 8 पीसेस, और इसे मैंने सोक करके रख दिया था लुक वार्म वाटर में 5 मिनट के लिए ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, ग्राइंड करने में इजी हो जाए। गैस मैंने ऑन कर दिया, फ्लेम मीडियम हाई पे रखा। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल। तेल गरम हो गया, अभी हमने जो मेथी काट के रखा है फ्राई कर लेंगे, और 3-4 मिनट फ्राई करना है। मेथी फ्राई करने के बाद थोड़ा श्रिंक होता है और क्वांटिटी भी कम हो जाता है, लेकिन फ्राई करने से मेथी का कड़वापन निकल जाता है और बहुत अच्छा एरोमा आता है। फ्लेम मीडियम हाई पे ही रखना है। मेथी फ्राई हो गया, ये देखिए क्वांटिटी कितना कम हो गया। अभी मैं मेथी निकाल लेती हूँ। फ्लेम हमें मीडियम हाई पे रखना है और 1/2 टीस्पून तेल मैंने ऐड किया। अभी ये जो प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डाल दिया, टमाटर हम बाद में डालेंगे। तो 3-4 मिनट फ्राई करना है और जब तक प्याज का हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए, तेल गरम था, तेल भी गरम हो गया जल्दी, ये देखिए प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया। हमें और 2 मिनट फ्राई करना है। 2 मिनट से प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च फ्राई हो गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। अभी हम टमाटर डाल देते हैं, इसका साथ जो काजू मैंने सोख करके रख दिया था पानी में भी डाल दिया, 1 चुटकी दामा टमाटर सॉफ्ट करने के लिए। अभी मैं फ्लेम मीडियम लो पे कर देती हूँ, क्योंकि अभी जितना ड्राई मसाला है इसमें मुझे ऐड करना है। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/4 1/4 टीस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो ड्राई मसाला बाद में भी ग्रेवी में डाल सकते हो, लेकिन मैंने अभी ऐड कर दिया ताकि मसाला में अच्छा सा कलर आ जाए जब हम मसाला पेस्ट करेंगे। अभी हमें और 2-3 मिनट सॉटे करना है मसाला। अगर आपको व्हाइट ग्रेवी अच्छा लगता है तो आप टमाटर और लाल मिर्च पाउडर ऐड ना करें, इसमें आप दही, काजू और क्रीम ऐड करें, क्रीम या मलाई सब्जी में। मसाला सॉटे हो गया है, अभी हम गैस बंद कर देते हैं और मसाला ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मसाला ठंडा हो गया, पैन में मैंने 1 टेबल स्पून पानी डाल के मसाला में डाल देती हूँ मिक्सी में ग्राइंड करने के लिए, और अभी मैं स्मूथ पेस्ट बना लेती हूँ। मसाला पेस्ट रेडी हो गया है, ये देखिए कितना अच्छा स्मूथ सिल्की टेक्सचर आया है। तो चलिए अभी हम सब्जी बनाते हैं। मैंने पहले 1 टीस्पून ऑयल यूज़ किया था, अभी और 2 टीस्पून ऑयल मैंने डाला। फ्लेम मीडियम पे रखा, 1 तेजपत्ता, 2 हरी इलायची, 4 लौंग, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 चुटकी हींग, थोड़ा सा हमें 10 सेकेंड्स फ्राई करना है जस्ट। हमने जो मसाला पेस्ट बनाया है ये डाल देते हैं।
मिक्सिंग जार धो के मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। मसाला हमने फ्राई कर लिया था इसलिए अभी ज़्यादातर सॉटे नहीं करना है, जस्ट 3-4 मिनट हमें सॉटे करना है। मसाला में हमने नमक नहीं डाला था इसलिए मैं 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक अपने स्वाद के अनुसार आप ऐड करें। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो रहा है मसाला से। इसी स्टेज पे हम जो हरी मटर है ये डाल देते हैं और साथ में मेथी भी डाल देते हैं। मेथी हमने फ्राई कर लिया, मटर भी 5 मिनट लुकवार्म वाटर में सोक करके रख दिया था इसलिए हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। इसे अच्छा से मिक्स कर लेते हैं पहले। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून गरम मसाला। अभी फ्लेम एकदम लो पे रखना है और थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। लो फ्लेम पे हमें 3-4 मिनट पकाना है, लेकिन फ्लेम एकदम लो पे रखें क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं है, ग्रेवी एकदम गाढ़ा है तो जल जाएगा। 4 मिनट हो गया। अभी जो क्रीम रखा है हमने फ्रेश क्रीम ये डाल दी थी और इसे अच्छा से मिक्स कर क्रीम ऐड करने के बाद हमें पकाना नहीं है। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये देखिए कोई भी सब्जी है ना ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाता है और मेथी मटर मलाई का ग्रेवी ऐसा ही होता है, इससे पतला नहीं और इससे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होता है। गैस बंद कर देते हैं और डिश आउट करते हैं। मेथी मटर मलाई मैं सर्व कर रही हूँ एक पराठा का साथ। एक पराठा रेसिपी का लिंक मैंने इस वीडियो का एंड पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप चेक कर सकते हो और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आज का रेसिपी आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर। बाय।